नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट के बिरसा में वैक्सीन से आदिवासियों में डर का माहौल, जनजागरूकता अभियान चलाने की जरूरत। बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल्य गांव दुल्हापुर, मुरुम, बटरंगा और पटेल टोला सहित अन्य गांवों में बहुत से आदिवासियों ने ठान रखा है कि वो टीका नहीं लगवाएंगे। उन्हें बुखार, संक्रमण और संभावित मौत से डर लगता है। ऐसे में इस क्षेत्र में आदिवासी आबादी को टीका लगवाने के लिए राजी करना प्रशासन के लिए एक भारी चुनौती बन गई है। आदिवासी यही कहते रहते हैं कि टीका लगवाने से उन्हें बुखार हो जाएगा और वो मर जाएंगे। यहां तक कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में आते देख उनके भागने की भी जानकारी सामने आई है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्रामीणों में नक्सलियों से ज्यादा टीकाकरण को लेकर दहशत का माहौल है। बालाघाट से संवाददाता नीरज काकोटिया की रिपोर्ट। हाँ, नहीं लगवाना, खत्म हो जाता है। खत्म हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, किसे बताया था? बताता है मैडम इन। हाँ, खुदाई दिया, गाड़ी आ रहा है। गाड़ी देखता तो भाग गया। हाँ, मत दीवाना। कौन मैडम ने बताया कि नहीं लगाना है? किसने बताया मत लगाओ टीका करके? हम नहीं कहे ना टीका। अब लगाऊंगा कि नहीं टीका? हाँ हाँ, नहीं लगाना, डर लगता है। आओ। कौन से गांव में रहते हो? यार बटरंगा। अच्छा, ये बताओ अभी कोरोना फैला हुआ है, आप लोगों ने टीका लगवाए हो? हाँ। क्यों नहीं लगाए? नहीं लगा। क्यों नहीं लगाए? तो नहीं लगा, कार टीका लगावे। क्यों? जो आपसे खतन तो खतन हम नहीं लगाता हूँ। नहीं लगाऊंगा। क्या होता है लगाने से? लगाने से क्या होता है तो बहुत होता है गलत। क्या गलत होता है? गलत होता है तो कहीं फोत हो गए ना। अच्छा, तो एक गांव में 5-6-7 हो गए तो हमें मालूम किया नहीं आएगा। हाँ, इसलिए नहीं लगाया। हाँ, उसको मैडम ही ना रहा है, चलो कहा गाड़ी लगा, गाड़ी कुदा दे, जा भग जाता है। हम किसी को खाता नहीं, किसी को जाता नहीं। हम आप खाता हन, हम आप रहता हन और जंगल घूमता हन, कोई चोरी करके थोड़े गए। क्या नाम है? फुलमत। कौन सा गाँव है? मुरुम। क्यों नहीं लगा रहे हो भाई टीका? क्यों नहीं लगा रहे हो आप लोग? कैसे डर लगा भी टीका? हमला डर लगता है, हम लगा नहीं। अच्छा। हाँ, जब लगा रहा है हमारे गांव में लगा ही नहीं, तीन बीमार हो गई। अच्छा। हाँ, सूजी बाटल पूरे लग गए। हाँ, वही मन हम डर आ गए। अच्छा। तो नहीं कथन। इसलिए नहीं लगा रहे हो? हाँ, उसने मन हम लगाते नहीं कहेंगे, डरा था हम। आदिवासी क्षेत्रों में है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, लोगों के अंदर काफी डर का माहौल है, उनके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे विभाग की तरफ से? नहीं, विभाग भर से नहीं होगा, ये आम जनता को सोचना पड़ेगा, हम सभी को सोचना पड़ेगा कि अभी हमने दूसरी लहर में जो आई थी देखा है कि कितने हमारे परिजन हमसे बिछुड़ गए और जवान जवान लोग सभी कालकवलित हो गए। तो इसलिए बहुत अत्यंत आवश्यक है कि हम इस कोविड का वैक्सीनेशन करवाएं, और इसके लिए जो व्यक्ति डर रहे हैं, जो व्यक्ति दूर जा रहे हैं, जो व्यक्ति भाग रहे हैं, तो मेरी आम जनता से अपील है कि ऐसे व्यक्ति को समझाएं कि भाई इसकी लगाने से ही आपकी सुरक्षा हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा भय का वातावरण बना हुआ है, बड़ी अफवाहें चल रही हैं, तो मैं सबसे मेरा ये अनुरोध है कि वैक्सीन सुरक्षित है। मैंने भी दोनों डोज लगाई है, हमारे घर में भी और हमारे ऑफिस में भी, इवन हमारे कलेक्टर साहब ने, हमारे आईजी साहब ने, हमारे डीआईजी साहब ने, हमारे एसपी साहब ने, हमारे बहुत सारे अधिकारियों ने, बहुत सारे कर्मचारियों ने ये वैक्सीन लगवाई है और इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, तो कृपया डरे नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सुझाव देना चाहूँगा कि वैक्सीन के बाद जो बुखार वगैरह होता है वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, और जो व्यक्ति का कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे लगाने से लोग मर गए, तो ऐसा नहीं है। उन व्यक्तियों को पहले से ये संक्रमण कोविड का रहा होगा और इसके कारण ये दिक्कत आई होगी। बाकी बहुत अच्छी वैक्सीन है और आपके जीवन को बचाने के लिए, कोविड से बचाने के लिए, इसके अलावा हमारे पास में अभी कोई तरीका नहीं। मेरा नाम हिरदुलाल इनवाती। इनवाती जी, ये बताएं, ये क्षेत्र में लोग वैक्सीनेशन क्यों नहीं करा रहे हैं? जी, वैक्सीनेशन कराने नहीं कराने का मतलब ये है कि कई जैसे सोशल मीडिया पर कई प्रकार के मतलब वीडियो डाल करके या कई मैसेज डाल करके वायरल करते हैं कि इससे ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, और दूसरी चीज कई लोगों को भ्रमित किया जाता है कि
वैक्सीनेशन करवाने से लोगों की मृत्यु हो रही है, ऐसी एक दो प्रमाण भी दिखाते हैं कि वहाँ हो गया तो यहाँ हो गया, तो इससे भी लोग मतलब थोड़ा दहशत में आने की वजह से ये लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए कतराते हैं। स्थिति भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जी 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 भ्रम, वही मतलब भ्रम इसलिए हो रहा है कि कई प्रकार से लोग मतलब थोड़ा बहुत आजकल एक दो लड़के पढ़े लिखे हो गए हैं, कई मतलब मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से मतलब भ्रम पैदा किया जा रहा है। तो इसको समझाने के लिए शासन की ओर से ऐसा कुछ मतलब निर्णय लेना चाहिए कि लोगों के भ्रम को दूर करें।